सेवन स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्लेन पराठा, जिसे तिकोना पराठा भी बोलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 कप आटा डालेंगे और इस आटे में अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसके आटे में हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पराठे के लिए एकदम सॉफ्ट डो रेडी है। आप चाहें तो तुरंत इसके पराठे बना सकते हैं या तो फिर 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आटे को रखे हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार और गूंथ लेंगे। आटे को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसकी लोई बना लेंगे और अब हम एक लोई लेंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगा के इसे हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे। अब रोटी के ऊपर हम घी लगा देंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, और इसे आधे पर से फोल्ड कर देंगे। अब हम फिर से इस पे घी लगाएंगे और इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे। और अभी हमारा पराठा बनाने के लिए लोई तैयार है। इसमें थोड़ा सा आटा लगा के हम पराठा बेल लेंगे। पराठे के साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं और इस पराठे को हम रोटी से हल्का सा मोटा बेलते हैं। ये देखिए, तिकोना पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पे हमने तवा को गर्म कर लिया है और फ्लेम को मीडियम रखा है और अब हम इस पर पराठा डाल देंगे। अब जो ये पराठा है ये हल्का से एक साइड से पक चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे और अब हम पराठे पे घी लगाएंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये पराठा है दूसरी साइड से भी लगभग पक गया है, अब हम इसे पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी घी या तेल लगा देंगे। और अब हम इस पराठे को उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। देखिए, पराठा रेडी है। अब हम इसे तवे से उतार लेंगे और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।